आईटीआई इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों एक और वैकेंसी के साथ हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये एक शॉर्ट नोटिस दिया गया है एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों यह वैकेंसी जो आई इसका शॉर्ट नोटिस है, इसके हम अगर ये कहाँ से आई है, देखिए लिखा गया है यहाँ पे उत्तर कन्नाड़ा जिला कर्नाटक राज्य के द्वारा ये दिया गया है। हिंदी में ये लिखा गया है दोस्तों, उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक राज्य के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। दोस्तों एक शॉर्ट नोटिस है और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो इसका एडवर्टाइज नंबर दोस्तों ये है। और यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है, ऑनलाइन के एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है दोस्तों, ये 17 दिसंबर 2019 से 10 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों अभी तक इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही का ये शॉर्ट नोटिस दिया गया है। अगर जब ये साइट ओपन होगी 17 तारीख से वैकेंसी के लिए, तब इसका हो सके तो इसके फुल नोटिफिकेशन देगा, तो उस नोटिफिकेशन की हम चर्चा बाद में करेंगे। क्या इसका इसका सिलेबस है, जो भी चीज़ है उस नोटिफिकेशन में दिया गया है, उस पर हम चर्चा हम बाद में करेंगे। इसकी क्लोजिंग डेट है दोस्तों 6 जनवरी 2020 तक है, जो शाम के 4 बजे तक है। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी को बांट दिया गया है। कुछ वैकेंसियाँ बहुत ही कम है इसमें दी गई हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट जो है, पहला इसका ड्राइवर का ग्रेड 1 है। दोस्तों ड्राइवर का जो पोस्ट दिया, ग्रेड 1 ड्राइवर है। जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट दिया गया है, एक OBC के लिए है, एक जनरल के लिए। इसमें SC ST के लिए नहीं है, बस OBC के लिए है और अनरिजर्व है, जिसमें सभी फाइट कर सकते हैं। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी नहीं है और PWD के लिए भी नहीं है। दोस्तों मैं ग्रेड पे की बात करें तो ये लेवल 2 का इसमें ग्रेड पे है, जो 19,000 से स्टार्ट होगा। आपका जो भी पेमेंट होगा 19,900 रुपये से स्टार्ट होगा। इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको दिया गया है 20 से 28 ईयर तक। अब टेक्नीशियन बी में है सर्वेयर इलेक्ट्रीशियन की, दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट दी गई। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यानी EM का, IM का 1 पोस्ट दिया गया, फिटर का भी 1 पोस्ट है। दोस्तों इसमें अगर पैसे की बात किया जाए तो इसमें जो हमारा इंस्टेंट पे है, जो 21,700 रुपये से लेवल 3 का हमारा हमको पैसा मिलेगा। इसमें एज लिमिट दोस्तों दी गई 18 से 25 ईयर तक, इसमें एज लिमिट दिया गया है। अब बात करें कैटेगरी सेकेंड, स्टेपनरी ट्रेनी टेक्नीशियन STTM। इसमें दोस्तों हम देखा जाएगा तो इसमें सर्वेयर के 2 हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के भी 3 हैं और फिटर के 2 हैं और ऑपरेटर के 24 सीटें यानी 24 सीटें हैं। इसमें दोस्तों इसमें 2 साल की अंडर ट्रेनिंग है, उसके बाद ही आपको 2 साल बाद फुल पेमेंट 21,700 पर मंथ देगा। इसमें जो आपको पैसा मिलेगा लेवल 3 के हिसाब से मिलेगा। फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड 10,500 दिया जाएगा और सेकेंड ईयर में 12,500 रुपये दिया जाएगा। और आपका ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद से 21,700 पर मंथ के रुपये से आपको पैसा मिलेगा। अब कैटेगरी असिस्टेंस सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा लेवल के लिए भी इसमें कुछ पोस्ट है, जो सिविल के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिकल। इसमें लेवल 6 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 35,400 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये इसके लिए टोटल एज लिमिट दिया गया है 18 से 30 वर्ष तक। इसमें दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से OBC ST और ST के कैटेगरी के हिसाब से भी इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो 5वां है जो हमारा है कैटेगरी 1 स्टैंडर्ड ट्रेनिंग साइंटिस्ट असिस्टेंट ST और SA यानी सिविल इलेक्ट्रिकल के, इनमें भी आपको ट्रेनिंग पीरियड का रखा गया है। जैसे आपको ऊपर दिखाया गया है यहाँ पे कैटेगरी सेकेंड टेक्नीशियन बी के नीचे 3rd नंबर है, उसी तरह इसमें भी नीचे दिया गया है कैटेगरी स्टैपेंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए। जो मंथली स्टाइपेंड आपको कंसल्ट करेगा इसमें 18,000 पर, पहले 16,000 दिया जाएगा, दूसरे ईयर से 18,000, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 35,400 पर मंथ मिलने लगेगा। दोस्तों इसमें पूरी फुल जानकारी नहीं है, अगर नहीं दिया गया है, जब इसका नोटिफिकेशन पूरा आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा पूरे डिटेल से करेंगे। दोस्तों इसमें अगर आप
एसटीएससी ओबीसी के हैं तो इसमें आप सेंट्रल लेवल का भारत सरकार द्वारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट जारी होता है उसको लगाइएगा, ना कि अपने स्टेट का लगाइएगा। अपने ओबीसी का लगाएंगे वही स्टेट में मान्य होता है, स्टेट में मान्य वाली स्टेट गवर्नमेंट का बना होता है वही ओबीसी और या एसटी सर्टिफिकेट वर्क करता है। लेकिन आप जब भारत सरकार का है जो वो पूरे ऑल इंडिया में वर्क करता है। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से तो ओबीसी और एससी एसटी वाले अपना जो भी सर्टिफिकेट है कैस्ट सर्टिफिकेट उसको भारत सरकार के द्वारा ही बनवाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाली न्यू वैकेंसी के बारे में हम फिर से आपको जानकारी लेकर हाजिर होंगे। बाय बाय, सी यू।